दगड़ियों नमस्कार, आशा करता आप लोग खबर सुन रहे भी अच्छा। यहाँ सैटरडे का मार्केट लगता है तो आस पास काफ़ी भीड़ होती है सोमवार को, हमारे घर के पास ही मार्केट हर सैटरडे इधर मार्केट लगता है। अब दोस्त दोस्त को क्या क्या है। और जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल, कैसे दे रहे हो बनियान? 60 रुपये कच्चा रेट चेंज नहीं करा, वही रेट चेंज नहीं करा, वही सिर्फ 60 रुपये, 60 रुपये रेट है, कम नहीं किया कुछ, क्या रेट कम नहीं किया, वही रेट है, कम तो करो यार थोड़ा रेट, तो वही रेट लगा रहे आप फिर, क्योंकि इधर शनिवार को हमेशा ना मार्केट लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, लोग ज़्यादातर आसपास के लोग इधर ही आते हैं मार्केट, और क्योंकि ज़्यादातर मतलब यहाँ थोड़ा सामान हल्का क्वालिटी का होता है, लेकिन सामान थोड़ा हल्का सस्ता मिलता है, इसलिए लोग शनिवार तक तक इधर आते हैं लोग, इसलिए इधर काफ़ी भीड़ होती है मार्केट में। और ये रिक्शा वालों ने पूरा रोड रिक्शा लगा देते, रोड ऐसे खराब कर देते, रिक्शा चक्कर में इधर उधर कैसे जाएंगे लोग, तो काफ़ी उन्होंने उधर से भी उधर रिक्शा घुसते उधर से, चल भाई आगे फटाफट फिर रिक्शा, क्योंकि रिक्शा की वजह से पूरा रोड ब्लॉक कर देते, इधर उधर जब देखो इधर से रिक्शा घुसा देते, इधर से रिक्शा, रुक जा भाई मुझे जाने दे, रुक जा तुम कहाँ घुसता रहता, ये रिक्शे वाले भी इधर क्योंकि रोड पूरा वैसे कर देते, उधर से रिक्शा इधर से रिक्शा, इसलिए रिक्शा की वजह से इधर से लगता है मार्केट में, इधर तब ज़्यादातर जूते चप्पल की दुकान, इधर ज़्यादातर जूते और चप्पल ही मिलते हैं लोगों को, वैसे ये लोग मार्केट से चप्पल जूते इसलिए लोग लेते हैं, इधर मार्केट में हल्का क्वालिटी लिखे हैं लेकिन थोड़ा सस्ते मिलते हैं, बाकी जगह से चप्पल तो उतने अच्छे होते हैं, ये कितने चप्पल ही चप्पल, इसके बाद तो सारे चप्पल ही चप्पल, ये इधर शनि बाजार लगता है, इधर लेटेस्ट शाम को कॉलेज के आसपास ही है, इधर लोग अक्सर शनिवार को आते, काफ़ी लोग देखो जूते जूते चप्पल खरीदने लोग लगे हैं, बाकी आगे में जाता हूँ आज टाइम टू है यहाँ पे, यहाँ पे वैसे काफ़ी भीड़ लोग आते हैं आसपास के लोग तो ज़्यादातर में, क्योंकि इधर रेट काफ़ी कम है इसीलिए लोग ज़्यादातर यहीं आते, बाकी लोग देखो कि इधर सारा सामान मिलता है, जिसको देखो हर सामान कोई जैसे कपड़े हो गए सारा सामान मिलता है इधर, और रेट हिसाब से करें कोई पार्किंग तो ठीक ठाक है, और रेट तो वैसे पार्किंग हिसाब से ठीक ठीक मिलता, उसके बाद तो बैग ही बैग है जी, अभी बारिश की वजह से और तो काफ़ी भीड़ होती थी इस टाइम लोगों की, लेकिन आज बारिश हुई तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ तो है नहीं बारिश की वजह से, लोग उतनी है नहीं क्योंकि बारिश की वजह से लोग थोड़ा पब्लिक कम हो गई, नहीं तो लोग यहाँ से काफ़ी भीड़ होती, ये है इधर शनि बाजार मार्ग, ये शनि बाजार ये लीलराम कॉलेज के आसपास से एकदम एग्जैक्ट पास ही है, ज़्यादा से लोग ये देखिए जूते चप्पल इधर पूरा भीड़ ही कर रखे हिसाब से, यहाँ पे ये है छोले कुलचे भाई, छोले कुलचे वाले काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि लगता है मैं घर पे खाना नहीं खाते, लोग अक्सर छोले कुलचे खाने इधर ही आ जाते हैं, और उस हिसाब से लोग सोचते हैं मार्केट आए तो इधर छोले कुलचे खा के जाएंगे, और बाकी लगे हैं लोग कुछ ना कुछ खरीदने के, यहाँ सारे कपड़े ज़्यादातर, वैसे ज़्यादातर शनिवार इधर ज़्यादातर कपड़े होते, बाकी सामान तो इतना कुछ होता नहीं इधर, लेकिन ये है कि हाँ रेट काफ़ी कम है होता इधर रेट, बाकी रेट क्योंकि बाकी मार्केट के हिसाब से इधर सामान थोड़ा सस्ता मिलता है उस हिसाब से, लेकिन ये सामान की क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं, बारिश की वजह से लोग कैसे दे रहे हो जी 150 में, अच्छा छोटे बड़े को भी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, क्वालिटी अच्छी है नहीं है, अच्छी क्वालिटी कहाँ यार, इतनी अच्छी छोड़े 150 में दो, फिर 150 में दो दे रहे हो तो अच्छी क्वालिटी तो होगी नहीं ना फिर, वो तो है
वैसे इधर मार्केट में आसपास सामान सस्ता मिलता लेकिन उतना का अच्छी क्वालिटी होती नहीं। मैं आ जाया था इधर तो मैंने सोचा इसका पूरा मार्केट का ब्लॉग बनाता हूँ। ये 50 का भी इसमें कुछ सामान सस्ता सामान मिलता अक्सर। देखते हैं इधर पूरा शनिवार को, हर शनिवार को इधर मार्केट लगता है और मार्केट आज इधर लगता है कपड़े इधर और टोटल सारे कपड़े मिलते हैं। देखो इसके पास पैंट कमीज सभी बच्चों के कपड़े, लेडीज जेंट्स सभी कपड़े इधर। बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, जूते पैंट कमीज हो गए, ऑलरेडी सभी सामान है। लेकिन आज थोड़ा बारिश की वजह से लोग भीड़ भी काफ़ी कम है बारिश की वजह से। उसके बाद चश्मे चश्मे जब आस पास तो, लेकिन बाकी दिन काफ़ी भीड़ होती थी, आज उतना भीड़ है नहीं क्योंकि आज बारिश की वजह से उतना भीड़ तो है भी नहीं क्योंकि लोग बारिश के टाइम से काफ़ी कम लोग आए हैं, हैं पर उतने लोग है नहीं जिस हिसाब से भीड़ होती थी। सबके पास काफ़ी सामान है, जूते ये वो लोग लगे हैं फिर भी शॉपिंग करने में। ये मार्केट हर शनिवार को लगता है सर, ये लेडीज शाम को कॉलेज के आसपास है। और बाकी आप लोग वीडियो को, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा मुझे लगता है ये, क्योंकि मैं पूरी मार्केट की वीडियो बनाऊँगा इधर। जो भी लोग इधर आएंगे मतलब सामान खरीदने उनको अच्छी खासी पार्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग इधर काफ़ी रेट ज़्यादा बताते हैं उस हिसाब से। पहले बाद में अगर किसी को जैसे पसंद आ गए तो पार्किंग करने से रेट कम कर देते हैं, लेकिन वैसे पहले ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि जो एक्सपीरियंस आदमी है उसको काफ़ी इस बारे में नॉलेज है। अब बाइक कैसे दे रहा भाई? बड़ा साइज में चाहिए। बड़ा साइज में बड़ा चलेगा? अरे ये तो इतना अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं। क्या रेट है इसका? अरे यार इतना तो है नहीं, इससे बड़ा छोटा साइज नहीं। ये वाला साइज क्या है? ये कितना रुपए का है? 350। मत बोलो यार इतना महंगा, थोड़ा इतना अब भाई भी इतना ये बैग ले रहा हो, ये भी काफ़ी महंगा बता रहे इसका भी कम यार, तो 350 तो तुम ज़्यादा बता रहे भाई इसका फिर कम नहीं यार 350। मेरे लिए कैसा साइज चलेगा? अब भाई साथ में बैग ले रहे हैं, देखते हैं पूछते हैं बैग कैसे उन्हें पसंद आता है नहीं आता। छोटा साइज है ना भाई, तो बैग उनको फिर मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत छोटा दे, थोड़ा बड़ा दे साल का, ये तो बहुत छोटा दे दे बच्चों हिसाब से 350। लेकिन उस हिसाब से क्वालिटी रूप तो थोड़ा थोड़ा चीज पे क्वालिटी दो भाई को और भी। मैं जब बताऊंगा ना तुम बहा दोगे। अब देखते हैं भाई कितना रेट लगाते हैं, 350 तो बता रहे हैं लेकिन देखते हैं भाई कितना रेट बताते हैं इनका बैग का। देखते हैं डिजाइन तो भाई ज्यादा एक डिजाइन है, दो तीन डिजाइन ही है, ज्यादा तो है नहीं डिजाइन। अब बताओ, अब देखो भाई बार्किंग करते बार्किंग कर रहे हैं तो पता लगे कितना बता रहे हो। सीधी सीधी बात करो, जल्दी बताओ क्या कह रहे हो? 320 ढाई सौ दे दो, 200। हाँ ठीक भाई ने बताया 200 तो देखते हैं फिर 200 तो 200 में ठीक है। देखो हिसाब से क्योंकि इधर कोई मार्केट आता है तो बार्किंग काफ़ी करनी पड़ती है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा रेट बताते हैं हिसाब से, बार्किंग जरूरी है क्योंकि उस हिसाब से अब बंदे ने 350 बैग के पहले बताए थे, उसके बाद उसने मतलब उसको 200 में दिया तो इसका मतलब उसने 150 एक्स्ट्रा बताए, भाई ने 200 बताए तो इसने काफ़ी बार्किंग की। इधर आसपास काफ़ी मतलब मार्केट में भीड़ है, देखो कितने लोग इधर आए हुए आज देखो उस हिसाब से लोग, क्योंकि शनिवार को काफ़ी लोग आते, पब्लिक काफ़ी होती इधर, अब भीड़ भी काफ़ी है इसलिए मैं ज़्यादातर साइकिल में इधर आया। देखो भीड़ कितनी हिसाब से, ये इधर मार्केट हर शनिवार को लगता है, आसपास काफ़ी भीड़ है इसलिए आज भी। और देखो ये पानी पूरी वाला भी इधर ही बैठा है, ज़्यादातर लोग शनिवार को इधर ही मार्केट लगाते हैं अक्सर, ज़्यादातर क्योंकि शनिवार को इसलिए आते इधर।
हाँ लोग, क्योंकि आसपास का सामान इतनी अच्छी क्वालिटी है नहीं, लेकिन देखो इसके बाद तो चद्दर ही चद्दर ही सारे चद्दर हो गया, ये हो गया, ये तो बोलता है ये इसके पास कप हो गए, ये हो गए सारा सामान इधर देखो, ज़्यादातर सभी सामान है। इसके पास बैग वुग हैं, बाकी वीडियो मुझे काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि मैं इधर मार्केट जाते जाते वीडियो काफ़ी लंबा कर दिया हमने भी। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। और इसके भाई के पास तो ये 50 रुपए के 3 है 50 रुपए के 3 है 50 रुपए के 3 है 50 रुपए के भाई पूछे 50 रुपए 3 जीरा वैसे तो एकदम बिल्कुल 50 रुपए के 3 पूछे बड़ी है तो, और फिर तो इसीलिए लोग आते हैं ना, क्योंकि रेट हिसाब से अच्छे होते 50 के तो 3 पूछे फिर भी ठीक है। आज तो उतना भीड़ है नहीं इधर मार्केट में क्योंकि अब काफ़ी भीड़ होती थी, आज तो लगता भीड़ थोड़ा कम है। अब वीडियो तो मेरा काफ़ी लंबा हो गया लेकिन क्या करें, पूरा स्टार्ट फिर से शुरू करते स्टॉप करके दोबारा वीडियो, इसके बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और शेयर करना प्लीज़, पूरा वीडियो देखना वो होते आपको अच्छा आएगा प्लीज़ चैनल को।